बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? आप सबको मेरे चैनल पर खुश आमदीद। आज मैं लाई हूँ ढोको की रेसिपी, जो कि गुजराती और मेमन बहुत शौक से खाते हैं। आज मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। जी व्यूअर्स, ये मैंने बेसन लिया है 1.5 कप। उसी के बराबर मैं, अगर ये 1.5 है तो मैं इससे डबल मैं पानी डालूंगी। ये मेरा कप है, मैंने इससे लिया था इस कप से, तो मैं इसी के बराबर मैंने डबल करके डालूंगी। हाफ 1.5 है तो मैं इसे 3 कप में पानी डालूंगी। अब मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। अमूमन लोग सिर्फ ये नमक ही ऐड करते हैं इसमें, मगर मुझे पसंद है कि मैं इसमें थोड़ा सा मसाले डालूं। तो ये मैंने इसमें 1 टीस्पून चिकन पाउडर डाला है और इसमें 1 टीस्पून मैं लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी। अब मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर दूँगी इसे। देखिए व्यूअर्स, अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम एक दूसरे बर्तन में हम इसे निकालेंगे, डिश आउट करेंगे, तो इस वजह से हमें इसको ग्रीसी करके रखना है। इसलिए हमने थोड़ा सा ऑयल डाला और इसे ग्रीसी करके रखा हुआ है। ये देखिए व्यूअर्स, हम इसे कुक करेंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। हमें इसे तब तक कुक करना है जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता। इसे हमें चमचा चलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े। रेगुलर हमें इसे चलाना है ताकि ये कहीं से भी चिपके भी नहीं और स्मूथ बैटर बना रहे। ये देखें व्यूअर्स, ये गाढ़ा हो रहा है। हम इसे और कुक करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, देखें हमने इसे उठाया और ये देखें, तो नज़र नहीं आ रहा। ये देखें, अब ये गिर नहीं रहा, ये रुक गया है। जैसे ये रुक गया ना, इससे हमें पता चलेगा कि ये जमने के लिए, सेट होने के लिए रेडी है। तो हम अब इसे सेट कर लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये हमने बॉक्स में सेट कर लिया है। अब जब ये ठंडा होगा तो हम इसके छोटे छोटे पीस करेंगे। तब तक हम इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हम इसे निकालते हैं। अब हम इसके छोटे छोटे पीस करेंगे।
ये देखिए व्यूअर्स, इतने लंबे और इतने चौड़े हम ऐसे सारे टुकड़े कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं इसके। आगे का स्टेप आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम इसमें फ्राई अनियन रखेंगे। ये देखिए, देखिए मैंने 4 टेबल स्पून फ्राई अनियन रखी है। इसके बाद जाएगा पीनट, मेरे पास पीनट रोस्टेड पीनट है क्रश किया हुआ, ये जाएगा 3 टेबल स्पून। देखिए एक छोटी पतीली में हमने तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें चॉप किया हुआ ये लहसुन डालेंगे, एक होती है ये लहसुन, ये हमने चॉप कर लिया है। ये देखें व्यूअर्स, लहसुन फ्राई हो रहा है। देखें गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम ये कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, ये 1/2 टीस्पून है, और ये हल्दी डालेंगे, ये भी 1/2 टीस्पून है। और अब हम चूल्हे से हटा लेंगे और इसे ठंडा करेंगे। अब हम नमक ऐड करेंगे इसमें। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैं 1 टीस्पून चिली सॉस डालूंगी। और 1 टेबल स्पून सोया सॉस। और धनिया। ये देखिए व्यूअर्स, ऑयल भी हमारा ठंडा हो चुका है। हम ये भी हम इस पे डाल देंगे। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे बहुत हल्के हाथों से, ताकि ये हमारे पीस टूटने नहीं चाहिए। ये देखिए व्यूअर्स, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें लास्ट में लेमन जूस ऐड करेंगे। 3-4 टेबल स्पून हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे।
ये देखें व्यूअर्स, हम इसमें लेमन जूस डालेंगे। अब हम सबको मिक्स करेंगे, बहुत हल्के हाथों से हमें करना है ताकि ये टूटे नहीं। ये देखेंगे बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह खाया जाता है। ये देखें व्यूअर्स, हम इसे सहन निकालेंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये है गुड़ का पानी। ये देखें, ये गुड़ है और पानी है, ये मैंने इसे लिक्विड बना दिया है। ये एक गुड़ का टुकड़ा लिया है, इसे मैंने पानी डाल के इसमें रखा तो ये इस तरह हो गया, इस कंडीशन में आ गया है। अब ये जाएगा इसमें, हमें ये देखें इसके ऊपर इस तरह से रखते हैं और फिर इसे खाते हैं। ये देखें, ये मेहमानों की और गुजराती की पसंदीदा डिश है, बहुत शौक से खाते हैं ये गुजराती और मेहमान लोग। उम्मीद है आपको भी ये रेसिपी पसंद आई होगी, आप भी बनाकर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।